So perfect guys, I think we can start now, all of you all. So once again, everyone guys, a warm welcome to all of you all for today's session. Aaj ka jo hamara topic hai, okay, today what we are discussing about is top 5 forces affecting your business growth, right? See, okay guys, sabhi ko screen visible hai, ek last check le lete hai, sabhi ko screen visible hai, sabhi ko awaaz aur audio clear hai, so audio videos ko clear hai. Everyone, no issues with it. So perfect guys, thanks for your confirmations. So let us start with our session today. See, hum aaj jo discuss karne wale hai, jaise aapka jo business hota hai ya aapke client ka business hota hai, right? To us cheez ko jo hai, kaun si cheez us business ke growth ko impact karne wali hai. Now even this is going to apply to you also. Jaise aap ek digital marketer ho, so as a digital marketer, aapki digital marketing agency hai, aapka jo business hai, use kaun si cheez jo hai wo impact karne wali hai, kaun si cheez jo hai effect karne wali hai uske growth ke liye. To ye ek analysis hona aapke liye bahut zyada zaruri jo hai ye ho jata hai. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम कुछ टर्म्स सुनते हैं, जैसे होता है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माय सेल्फ. आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम ट्रेनर. माय नेम इज नेहल वीरा एंड आई एम अ ट्रेनर विद डिजिटल ट्रेनी. आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट बाय पैशन. सो आई कीप ऑन नर्चरिंग माय पैशन अलॉन्ग विद माय प्रोफेशन ऑल्सो. सो फाइन गाइस, जंपिंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडे इज, हम कंफ्यूज है कि दो चीजें होती है, कुछ होते हैं फर्म्स, कुछ होती है इंडस्ट्री. अब इन दोनों चीजें में डिफरेंस क्या होता है? जो फर्म होती है गाइस, फर्म ये एक छोटी सी, जब एक छोटी सा बिजनेस एक शुरू होता है तब उससे जो है हम फर्म कहते हैं. यहाँ पर क्या हो जाता है कि कॉम्पिटिशन कम हो जाती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, जैसे कि समझो कि नोबडी न्यू अबाउट सम रोलर शूज. चलिए हम एक शूज की बात कर रहे हैं जिसके नीचे कुछ रोलर्स हैं, ओके, अज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी तक नहीं निकला है. तो जब एक बिजनेस इस तरीके की प्रोडक्ट को शुरू करता है, ओके, तब वो एक फर्म है. जैसे यहाँ पर क्या है, कंपटीशन कम हो जाता है. देयर इज ओनली वन और टू पीपल डीलिंग इन दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट. लेकिन जैसे धीरे धीरे उस प्रोडक्ट में, ओके, लोगों को स्कोप दिखने लगता है, दूसरे बिजनेसेस भी उसको स्टार्ट कर देते हैं. अब जब मल्टीपल फर्म्स हो जाते हैं गाइस, जब जो है मल्टीपल फर्म्स हो जाते हैं सेम बिजनेस में, व्हेन मल्टीपल फर्म्स एंटर द सेम बिजनेस, ये एक इंडस्ट्री बन जाती है. और मल्टीपल फर्म्स हो गए, ज्यादा लोग भी जो है ये बढ़ जाती है. ऑफ कोर्स यहाँ पर जो है गाइस, कंपटीशन भी जो है ये इंक्रीज हो जाती है. अब ये जो बिजनेस होता है, लाइक बिजनेस इज लाइक अ रेस, राइट? देयर इज अ कंपटीशन, राइवल्स के बीच में वॉर है. कैन एनीबॉडी टेल मी कि ये क्यों होता है? व्हाई एवरीवन इन द बिजनेस इज कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर? ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्यों एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कंपीट में रहता है? क्यों? तो फाइन, अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछा आप लोगों को कि व्हाई इज एवरीवन इन बिजनेस कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, इसका कारण क्या होता है? लोग क्यों कंपीट करते हैं एक दूसरे के साथ? एनीवन वुड लाइक टू आंसर व्हाई एक दूसरे से लोग क्यों कंपीट करते हैं गाइस? टू गेन मोर पोटेंशियल कस्टमर्स. यस रोहित, लोग कम्पीट करते हैं ताकि उन्हें जो है, ओके, बिकॉज एवरी कंपनी वॉन्ट टू गिव बेस्ट प्रोडक्ट और सर्विस. ये सब है, लोगों को ज्यादा सेल चाहिए, लोगों को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए. दे वॉन्ट अ बिगर मार्केट शेयर, दे वॉन्ट देयर बिजनेस टू ग्रो, दे वॉन्ट देयर बिजनेस टू अर्न मोर मनी. यही रीजन है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन जो है ये अराइज हो जाता है. अब इस कॉम्पिटिशन में जीतना कैसे जाएगा? To be a winner here, one needs to analyze the competitiveness and self-strength in the marketplace. अब इसका मतलब क्या है गाइस? अगर आप लोगों को जो है आपके बिजनेस को अगर उस मार्केट एरिया में, उस मार्केट प्लेस में, उस इंडस्ट्री में, ओके, टॉप पर रहना है, तो आपको रेगुलरली जो है कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स आप लोगों के मार्केट में कौन कौन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप जो है अपने आप की, आपकी खुद की जो मार्केट स्ट्रेंथ जो है खुद की, आप कितना उस कॉम्पिटिशन में खुद को विथस्टैंड कर पाओगे, या फ्यूचर में आपको
इस डायरेक्शन में ग्रो करना है ताकि आप उस कंपटीशन में विथस्टैंड कर पाओ, लोगों के सामने खड़े रह पाओ, इसकी कांस्टेंट एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है. डू यू ऑल एग्री विद दिस थिंग? ऑल ऑफ यू, डू यू ऑल एग्री विद दिस थिंग? यस, परफेक्ट, एग्जैक्टली. तो ये इस एनालिसिस करने के लिए एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के जो प्रोफेसर थे मिस्टर माइकल पॉटर, उन्होंने भी जो है कुछ 5 मेन एरियाज को पॉइंट आउट किए थे. अगर इन 5 मेन एरियाज में आप कॉन्स्टेंटली चेक रखते हो, ओके, तो डेफिनेटली आप जो है इस कॉम्पिटिशन में आगे रह सकते हो, लोगों से आगे रह सकते हो, हर कंपटीशन को आप यहाँ पर बीट कर सकते हो. जैसे आज की सेशन में जो भी हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ओके, तो चीजें ध्यान रखिए. आप लोगों के खुद के, जिन लोगों के खुद के बिजनेसेस हैं ऑलरेडी, ओके, या फिर कोई किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, तो एक पेपर पेन लेके रखिए. जैसे हम पॉइंट्स को डिस्कस करते जा रहे हैं ना, आप उसे अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करते जाइए, अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करके चाहिए कि हाँ मेरे बिजनेस के ये कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ये पॉइंटर्स हैं, जिन चीजों पे यूजफुल हो जाएगा आप लोगों के लिए. अब मिस्टर पॉटर जो है, माइकल पॉटर, उन्होंने जो 5 पॉइंट्स हमें दिए थे, 5 फोर्सेस जिसे हम कहते हैं फॉर टू बीट योर कॉम्पिटिशन, ओके, फॉर योर बिजनेस ग्रोथ, उसमें सबसे पहला आता है इंडस्ट्री राइवलरी. इसके बाद आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल, ओके. देन देयर इज थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अब एक इंडस्ट्री होती है, एक बिजनेस होता है, उसके खुद के तो राइवल्स ऑलरेडी है, इसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी जो है ये इंडस्ट्री डिपेंड करती है, ये इंडस्ट्री को उनके मुताबिक भी चलना होता है, एट द सेम टाइम बायर्स के मुताबिक चलना होता है, एट द सेम टाइम उन्हें जो है फोकस रखना है कि नए कॉम्पिटिटर्स कौन एंटर कर रहे हैं उस मार्केट में, एंड साथ ही साथ क्या कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी आ रहा है क्या जो कल जाके हमारे प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देगा, जो हमें मार्केट से हटा देगा और वो प्रोडक्ट जो है बूम अप हो जाएगा. ये मॉडल, ये जो 5 फोर्सेस है, इनका काम क्या है, इनका इनकी जो है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मॉडल गाइस? अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एक नई इंडस्ट्री एंटर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो मॉडल है ये आपको हेल्प करेगा रिसर्च करने के लिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान करने के लिए. इसके अलावा आप अगर ऑलरेडी उस बिजनेस में है तो ये मॉडल आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप रेगुलरली के अपने कंपटीशन के लेवल के सामने अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करते रहोगे एंड रिक्वायर्ड चेंजेस, रिक्वायर्ड अपडेशंस आपके बिजनेस में आप लाते रहोगे. ये मॉडल ऑफ कोर्स हेल्प करता है इन मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. ये जो कॉम्पिटिटिव फोर्सेज हैं, जैसे कि बायर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, न्यू कॉम्पिटिटर्स जो एंटर कर रहे हैं मार्केट में, साथ ही साथ न्यू सब्स्टिट्यूट्स आ रहे हैं, उनके सामने आपके स्ट्रेंथ्स को मेजर करने के लिए ये हेल्प करती है. रखनी है गाइस कि एवरी इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. एवरी इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय डिफरेंट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री के खुद के कॉम्पिटिटर्स अलग है, उनके प्रॉब्लम्स अलग है, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खुद के अलग होते हैं. तो हर एक इंडस्ट्री के खुद के यूनिक पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान में लेने होंगे. यू कैन नॉट कंपेयर एनी टू डिफरेंट इंडस्ट्री विथ ईच अदर गाइस. हर एक इंडस्ट्री की खुद की यूनिकनेस है. तो हम जो है, अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो स्पेसिफिकेशंस है, उनके जो पैरामीटर्स है, उसके साथ अपने को कंपेयर नहीं करेंगे. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी एक ग्राउंड रूल नहीं है कि एक ही रूल सब जगह पे काम आएगा. नहीं, हर इंडस्ट्री की खुद की यूनिकनेस है. तो उस बेसिस के ऊपर जो है आपको खुद के एनालिसिस, खुद की स्ट्रेटजीज उसके रिलेटेड आपको क्रिएट करनी होगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंटर टुडे, दैट इज द इंडस्ट्री राइवलरी. ओके, जब हम इंडस्ट्री राइवलरी के बारे में बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री राइवलरी मतलब क्या हो गया? कॉम्पिटिटर्स.
ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मार्केट एरिया में कॉम्पिटिटर्स आपके जो है, दिस इन्वॉल्व्स चेकिंग द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, राइट? नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कौन है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है आपके कंपैरिजन में, व्हाट इज द यूनिकनेस दैट दे आर हैविंग जो आप ऑफर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वो ज्यादा मार्केट शेयर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोग जो है ज्यादा मार्केट शेयर लेके जा रहे हैं, इसको एनालाइज करना एंड देन उसके मुताबिक जो है अपडेशन लाना, ये बहुत जरूरी हो जाता है. ये मॉडल जो है आपको हेल्प करता है इन मेजरिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ दीज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस. गाइस, कॉम्पिटिटर राइवलरी जो होती है ये इंटेंस कब होती है, ये बिल्कुल हाई कब होती है, ये राइवलरी हम हाई कब कहेंगे, जब जब उनकी वजह से, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हो गया, इसका मतलब क्या हो जाता है, लोग वहां पर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको उनको डिस्काउंट देना पड़ता है, यू नीड टू गिव ऑफर्स, या आपको लोअर आपके प्राइसेस को घटाना पड़ता है. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कस्टमर एक है, उसके पास ऑप्शंस बढ़ गए, क्यों, कंपटीशन ज्यादा है. देर आर सो मेनी पीपल हु आर सेलिंग दोज टी शर्ट. जैसे अक्सर समझिए कि हमारी कौन सी रोलर शूज थी, राइट? हमने रोलर शूज का प्रोडक्ट दिया था. अब जो है, पहले एक ही बिजनेस था जो वो रोलर शूज सेल कर रहा था, अब जो है देर आर 10 डिफरेंट ब्रांड्स हु आर सेलिंग दोज शूज. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कस्टमर एक है, अब उसके सामने ऑप्शन आ गए हैं. तो ऐसे में उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो है उस बिजनेस को या तो कुछ डिस्काउंट्स ऑफर करने पड़ते हैं, ऑफर्स देने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, राइट? या तो उनके जो है दाम जो है, उनकी जो कॉस्टिंग जो है, प्राइसेस जो है, वो उन्हें कम करनी पड़ती है. अब ये या तो उनको एडवर्टाइजिंग ज्यादा करनी पड़ती है, राइट? एडवर्टाइजिंग बजट आपका बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि आपको जो है दूसरे कॉम्पिटिटर्स को बीट करके आपके क्लाइंट्स के, आपके कस्टमर के नजर में आपको आना है. तो यू आर डूइंग मोर एंड मोर, यू आर स्पेंडिंग मोर ऑन एडवर्टाइजिंग, गाइस. यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन. लैक ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब सेम प्रोडक्ट्स है सबके, ऐसा आपके प्रोडक्ट में ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं है. एवरीबडी इज सेलिंग द सेम वेरिएशंस, एवरीबडी इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स, सबके डायमेंशन भी सेम है, एवरीथिंग इज द सेम. अब ये कंपटीशन बढ़ने से क्या हो जाता है, ये कंपटीशन जो है ये बढ़ने से क्या हो जाता है कि आपको या तो आपके प्रॉफिट घटाने पड़ जाते हैं या तो दाम बढ़ाना पड़ जाता है. अगर आप दाम बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, अगर आप दाम कम कर रहे हो तो ऐसे में जो है आपके प्रॉफिट्स, आपको जो है प्रॉफिट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है. ये सब कब होता है गाइस, जब आपके बिजनेस में जो है कंपटीशन इंटेंस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है. इसी के साथ साथ अगर लो कंपटीशन हो जाती है, अगर लो कंपटीशन है, देर आर वेरी फ्यू पीपल, ओके, देर आर वेरी फ्यू पीपल, राइवलरी बहुत कम है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में जो है कंपनी जो है अपनी प्रोडक्ट्स को अपने टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी मार्जिन पर सेल करती है. क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है, मार्केट में वेरिएशंस कम है, प्रोडक्ट मिलने के वेरिएशंस कम है, ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं रहती है, वो आप ही के पास आके उस प्रोडक्ट को लेने वाले हैं. अफकोर्स जब आप एट एडवांटेज होते हो कि कंपटीशन नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रॉफिट्स, अपने मार्जिन को होल्ड अप करके रख सकते हैं. यहाँ पर क्या हो जाता है गाइस, ओवर हियर एक स्टडी हम देखते हैं, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए. हम सब लाइक एवरीबडी नोज व्हाट आर सॉफ्ट ड्रिंक्स. अब सॉफ्ट ड्रिंक में, अब आप देखोगे यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैसे हो रहा है, जैसे एक ब्रांड ने कुछ लॉन्च किया है तो इमीडिएट इटली एक के बाद एक सिमिलर फॉर्मेट, जैसे आप कोक पेप्सी थम्स अप आप देख लेते हो, तो सिमिलर फॉर्मेट में सारे आ गए हैं, ऑल दोस ब्लैक ड्रिंक्स. देन यू हैव ऑल दोस लेमोनेड्स एंड लिमकास, वो भी सेम रेंज में आ जाते हैं. यहाँ पर क्या हो गया, कस्टमर के पास चॉइस आ जाती है, हालांकि थोड़े बहुत उसमें टेस्ट में वेरिएशन है, बट ओवरऑल दे आर ऑल आर एरेटेड ड्रिंक्स. तो क्लाइंट्स, कस्टमर्स के पास जो है उनके पास एक वेराइटी मिल जाती है, तो यहाँ पर राइवलरी ज्यादा है. अब राइवलरी ज्यादा होने से ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एडवर्टाइजिंग पे खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, मतलब दे आर गेटिंग इन सेलिब्रिटीज. ऑफकोर्स after getting these celebrities, overall the product cost is increasing. The product, the cost,
अगर आप प्रोडक्ट कॉस्ट इसकी देखोगे कि एक एयरटेल ड्रिंक की बॉटल में कितना पानी आता है एंड कितना आता है एंड उसके सामने आप कितना पैसा पे कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट कॉस्ट हैव गॉन अप. रोहित रिचार्ज ऑफर्स, यस इट्स इवन दैट इज अ ह्यूज यू नो राइवलरी बिटवीन द नेटवर्क प्रोवाइडर्स, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया. नाउ एवरीबडी इज कमिंग अप विद सम ऑफर, जैसे जियो इज गिविंग सम हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन की ऑफर, वोडाफोन इज गिविंग सम अनदर ऑफर एंड ऑल दीज थिंग्स. क्या हो रहा है ये? जस्ट टू स्टैंड इन द मार्केट, बिकॉज देर आर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स ओवर देयर, व्हाट दे आर गिविंग इज दे आर गिविंग सम एड ऑन्स टू पीपल, दे आर गिविंग सम एक्स्ट्रा टू पीपल टू अट्रैक्ट पीपल. एयरलाइंस में भी सिमिलर था. क्या था? पहले एक ही फॉर्मेट की एयरलाइंस थी, उसके बाद जो है बजट एयरलाइंस आ गई. अब बजट एयरलाइंस आ गई तो ये क्या कर रही है? अगेन एक दूसरे के साथ आप इसमें कम्पीट कर रहे हैं. कोई जो है आपको क्रेडिट दे रहा है अलग से, कोई जो है आपको फूड सर्व कर रहा है, यू नो इन द, सो दे आर गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स. अगर सोचो कि एक ही एयरलाइन होगी, एक ही बंदा है जो एयरलाइन रन कर रहा है, या आपको जिस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, चलिए मुझे यहाँ से आई एम इन मुंबई एंड मुझे यहाँ से जो है हैदराबाद जाना है, एंड देयर इज ओनली वन पर्टिकुलर एयरलाइन विच इज ऑफरिंग दिस सर्विस ऑफ मुंबई टू हैदराबाद, तो सोचो कि जब वहां पर उसे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है उस रूट के लिए, तो डेफिनेटली मुझे उस रूट की जो टिकट्स है वो हायर प्राइस मिलेगी या लोअर प्राइस मिलेगी. गाइस अगर कॉम्पिटिशन नहीं है वहां पर, वो एक सोल पर्सन है, ही इज द ओनली पर्सन, तो क्या वो मुझे टिकट्स बिल्कुल ही सस्ते दाम में देगा या वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देगा? व्हाट डू यू ऑल थिंक, ऑल ऑफ यू? रोहित, अक्षय, शिवानी, गाइस, हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? With extra profit, exactly. क्यों? क्योंकि उसकी monopoly है वहाँ पर. There is no rivalry over there. So he is going to earn that extra profit and give. इसी point पर अगर जो है, जैसे मुंबई हैदराबाद में मेरे पास there are 10 airlines to choose from. तो of course जो है हर airline मुझे बिल्कुल ही competitive rate, उसके साथ कुछ डिस्काउंट, उसके साथ कुछ ऑफरिंग ऑफर करेगी, ताकि हम जाके जो है उनके ब्रांड को जो है चूज करें फॉर आर रिक्वायरमेंट. सिमिलरली मोबाइल फोन्स के बीच भी यही कॉम्पिटिशन है. जैसे ही एक नया फोन, वी ऑलरेडी आर अवेयर विथ मोबाइल फोन्स, जैसे सैमसंग हो गया एंड देन देयर आर आईफोन्स, एवरीथिंग, ऑल दीज फोन आर अपडेटिंग देमसेल्व्स. Everyone is trying to give something new to you. Some कोई higher memory दे रहा है, कोई fast processor दे रहा है and all. Same thing goes for laptops also. क्यों? क्योंकि rivalries है. अब ये rivalries जो है, yes Rohit, now the 5G is coming up. Mobiles have already started launching it. Network अभी तो 5G का पता नहीं, लेकिन मोबाइल फोन ऑलरेडी 5G मार्केट में आ गए हैं. सब हर एक ब्रांड ने अपना एक 5G वर्जन लॉन्च कर रहे हैं, एवरी ब्रांड. Network providers, we already discussed, guys, over here. अब जो है, see, this is one checklist, okay? And now I want you all, कि ये एक checklist की ना एक photo लेके रख लो. Competitor rivalry analysis. आपको क्या करना है? अब मेरी competition है. अब मैं जिस industry में हूँ, क्या वहाँ पे मेरे competitors less charge कर रहे हैं या ज़्यादा charge कर रहे हैं? अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं, हाँ, वो जो है, yes, they are charging less करके, Do competitors offer lower price? Yes. तो यहाँ पर 1 point दे दो, यहाँ पे 0 दे. End में total करके आपको पता चल जाएगा कि competition ज्यादा है या आपके लिए rivalry competition कम है. क्या वो discounts offer कर रहे हैं? क्या वो competitors आपको portray कर रहे हैं उनकी ad में? ये ज्यादा करके आजकल हो रहा है in soft drink ads itself, right? जैसे Mangola Maza की अगर किसी ने recent ad देखी होगी तो वहां पर भी सिमिलर फॉर्मेट था. एक माजा एंड स्लाइस की एड में एक ब्रांड दूसरे ब्रांड की पैकेजिंग दिखा देता है और ये कहता है कि हम बेटर है करके. क्या ऐसा हो रहा है क्या? तो अगर हो रहा है तो यहाँ पे 1 mark दे दो, यस हो रहा है, यहाँ पे 0 दे दो. डिस्काउंट्स वो नहीं ऑफर कर रहे तो हियर इट इज द 1 mark, हियर इज द 0 mark. डू कॉम्पिटिटर्स कॉपी यू? इस चीज को ध्यान में रखिए. क्या आपने कुछ नया अपडेट लेकर आए?
इमीडिएटली क्या कॉम्पिटिटर उसकी कॉपी रेडी कर रहे हैं क्या? अगर ऐसा हो रहा है, अगेन टू टेक अ नोट ऑफ इट, डू कॉम्पिटिटर्स ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर एम्प्लॉयज गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपकी टीम, आपके आपके जो एम्प्लॉयज है, आपके पास जो काम कर रहे हैं, क्या आपके कॉम्पिटिटर्स जो है उन्हें उन उन ब्रेन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो कल उठ के अगर वो जीत गए तो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. क्या कॉम्पिटिटर आपसे पहले अपडेट्स लेकर आ रहा है या आप पहले अपडेट लेकर आ रहे हो? डू कॉम्पिटिटर्स टारगेट ऑडियंसेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स? मतलब आज के डेट में एवरीबडी नोज दैट एवरी बिजनेस नीड्स टू हैव अ डिजिटल प्रेजेंस गाइस. तो यू नीड टू इवन कंपेयर आपके राइवल की प्रेजेंस कितनी है एंड आपकी इंटरनेट पर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी प्रेजेंस कितनी है. अगर उनकी ज्यादा है आपसे तो यू विल कम टू नो के वाकई में जो है आपकी जो कंपटीशन लेवल जो है वो कितनी ज्यादा है. जैसे यहाँ पर समझिए हमने जो है टोटल करके देख लिया कि यहाँ पे दो है, यहाँ पे वन पॉइंट है. तो ऑफकोर्स येस यू हैव अ राइवलरी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस, इन दिस पर्टिकुलर एरिया आपके पास जो है अच्छी खासी राइवलरी है. तो इस तरीके से आपके पैरामीटर्स आप फिक्स कर सकते हो. जैसे ये तो चलिए मैंने कुछ लगाए हैं. अभी अगर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई तो कोई क्या है, क्या उनके पास जो है फेमस डिजाइनर्स को उन्होंने अपॉइंट किया है क्या? आपने नहीं किया तो वो उनके लिए एक एडवांटेज हो जाता है. तो राइवलरी को इस तरीके से आप आपके खुद के पैरामीटर्स, आपकी इंडस्ट्री के पैरामीटर्स को नोट डाउन करो एंड राइवलरी पे चेक रहो कि कहां पर आप स्टैंड कर रहे हो. मूविंग अहेड, राइवलरी, इंडस्ट्री राइवलरी गाइस सभी को क्लियर है? ऑल ऑफ यू ऑल, एवरीवन, देन पुट यस गाइस इन द चैट बॉक्स अगर सबको क्लियर है तो. यस लक्ष्मी क्लियर, परफेक्ट गाइस. अदर्स, अक्षय, रोहित, परफेक्ट गाइस, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन. ज्यादा सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स गाइस. अब ये सप्लायर्स क्या हो जाते हैं, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो राइट, अब आपके बिजनेस में जो है यू नीड सप्लायर्स, आपको रॉ मटेरियल चाहिए. अब रॉ मटेरियल जो आपको सप्लाई कर रहे हैं, दिस सप्लायर्स एंड बिजनेसेस सोर्स देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स. आप बाहर से सोर्स कर रहे हो, किसी और के पास से आपकी रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हो. अगर वो बंदे ने आपको रॉ मटेरियल नहीं दिया तो आपका बिजनेस जो है ये ठप पड़ जाएगा. तो यहाँ पर बिजनेस जो है ये डिपेंड कर जाते हैं सप्लायर्स के बार्गेन्स. अब सप्लायर ने अपनी कॉस्ट बढ़ा दी तो ऑटोमेटिकली आपको भी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी. अगर सप्लायर ने आपको सेकेंड ग्रेड की मटेरियल प्रोवाइड कर दी तो उसका इफेक्ट आपके प्रोडक्ट पर भी आ जाएगा. तो इस चीज को कैसे बीट किया जाता है, क्या पैरामीटर्स आपको चेक रखने पड़ते हैं, उस चीज के ऊपर हम ध्यान करेंगे. सप्लायर्स जो होते हैं ये आइडियली क्या चाहिए, उनका दिमाग भी यही चलता है कि बाबा हमें जो है कम कम देना पड़े और हमें ज्यादा प्रॉफिट हो राइट. अब वो भी एक बिजनेस है राइट, वो भी यही सोचेगा कि मुझे जो है पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, उसके अगेंस्ट मेरा प्रोडक्ट जो है कम जाए, मतलब ज्यादा भाव पे मैं कम दे सकूं ताकि मैं जो है ज्यादा प्रॉफिट उसमें अर्न कर सकूं. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स ये हाई कब होती है. बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स जो है ये हाई कब होती है, सबसे पहले जब सप्लायर्स कम होते हैं. देर आर ओनली टू सप्लायर्स एंड देर आर 50 बायर्स. देर आर ओनली टू सप्लायर्स एंड उसके सामने जो है देर आर 50 बायर्स. तो ऑफकोर्स बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर जो है ये बढ़ जाती है. ये अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको अपना प्रोडक्ट ऑफर करेंगे. फ्यू सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, फ्यू या तो नो सब्स्टिट्यूट. लेना है तो उसी सप्लायर के पास लेना है, कहीं और आपको जो है 19-20 जैसा प्रोडक्ट भी नहीं मिलने वाला है. सो जो भी है इन्हीं के पास से आपको उसे परचेज करना है. कॉस्ट टू स्विच सप्लाइज इज हाई. मतलब अगर मैं सोचूं कि चलो ये जो सप्लायर है ये मुझे रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा दे रहा है तो क्या मैं कहीं और से मंगवा सकता हूँ जो दूर है. ऑफ कोर्स अभी दूर है तो उसका भी मुझे कॉस्ट बढ़ जाएगा. क्या मैं कोई और सब्स्टिट्यूट बना सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, तो उसकी भी मुझे जो है अगर कॉस्ट हाई लगती है तो ऑफ कोर्स मुझे जो है ऐसे में हमारा जो पुराना सप्लायर है उसी के साथ काम चलाना पड़ जाता है. सप्लायर प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बायर्स बिजनेस. मतलब जब तक मेरे सप्लायर ने मुझे वो रॉ मटेरियल नहीं दिया मेरा काम आगे बढ़ेगा ही नहीं. ऐसे में क्या हो जाता है, सप्लायर इज एट एन एडवांटेज.
सप्लायर का जो प्रोडक्ट है ना, ये एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, मतलब ये प्रोडक्ट मार्केट में कहीं अवेलेबल ही नहीं है, उसके पास उस चीज की मोनोपोली है, उसका यूनिकनेस है, आई नीड टू गेट दैट प्रोडक्ट ओनली। तो अगेन यहाँ पर मुझे सप्लायर जैसा मुझे यू नो बार्गेन ऑफर करेगा, मुझे उसी में उसे हाँ कहना पड़ता है। क्यों? बिकॉज दिस इज एट एन एडवांटेज ऑफ द सप्लायर। अब ये सप्लायर हाई, यहाँ पे सप्लायर की अगर यू नो बार्गेन पावर, अगर सप्लायर की हाई होती है तो सप्लायर्स जो है ये प्रेशर डाल सकते हैं कंपनी के ऊपर, अपनी रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई कर देते हैं, कंपनी कुछ नहीं कर सकती है, लोअर कर देते हैं क्वालिटी को, अगेन आप कुछ नहीं कर सकते हो बिकॉज आपके पास ऑप्शंस नहीं है, अवेलेबिलिटी कम कर देते हैं आपको, उनके पास कोई दूसरा आपका कॉम्पिटिटर अगर उन्हें ज्यादा पैसा दे रहा है तो उनको उनको रॉ मटेरियल पहले बेचते हैं, आपको बाद में बेचते हैं, ऐसे में एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, कंपनी में हैव टू आइदर लोअर देयर प्रॉफिट, इंक्रीज देयर प्रोडक्ट कॉस्ट। मतलब अगर रॉ मटेरियल जो है आपको महंगा पड़ रहा है तो और तो या तो आपको आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा या तो आपको आपके प्रॉफिट को जो है कम करना पड़ेगा टू सस्टेन इन दैट कॉम्पिटिशन प्राइस। बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स अगर हाई है तो वो लो भी हो सकती है। अब ये लो कब होती है? लो ये तब होती है जब एम्पल ऑफ सप्लायर्स है, तीन इंडस्ट्रीज है, तीन कंपनीज है एंड सप्लायर्स जो है ये है 10, राइट? तो ऐसे में क्या हो जाता है कि सप्लायर्स ज्यादा है, यहाँ पर एडवांटेज किसका हो गया? यहाँ पर एडवांटेज उस कंपनी का हो गया, उस बिजनेस का एडवांटेज हो गया। क्यों? क्योंकि अब उस बिजनेस के पास ऑप्शन है, मेरे पास 10 सप्लायर्स है, तुमने मुझे अच्छा डील नहीं दिया, आई विल आस्क टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम समबडी एल्स। देन बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है, अगेन द बिजनेस इज एट एन एडवांटेज। अगर मुझे स्विच करना है, मुझे तुम्हारे पास से नहीं मंगवाना है, मुझे किसी और के पास से मंगवाना है, चलो वो है, वो जो है वो तो तुमसे थोड़ा 2 किलोमीटर नजदीक है तो वैसे भी मुझे वो सस्ता पड़ने वाला है, तो आई कैन इजीली स्विच। तो अगेन देयर इज एन एडवांटेज फॉर दैट बिजनेस ओवर हियर। अब यहाँ पर कंपनी प्रेशर डालती है सप्लायर्स पे, कंपनी प्रेशर डालती है सप्लायर्स पे, क्या कहती है? बेटर डील दो मुझे, अच्छा बार्गेन दो, अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी दो मुझे, सफिशिएंट सप्लाई रखो तो ही हम तुम्हारे पास से उस प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को लेंगे। ऐसे रिजल्ट क्या हो जाता है, कंपनी जो है कम दाम में रॉ मटेरियल खरीद रही है लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट तो उसकी ज्यादा ही है, तो यहाँ पर उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। सो ओवर हियर गाइस एक केस स्टडी, क्लासिक केस स्टडी है, एवरीबडी नोज एपल, राइट? एपल कंपनी को एवरीबडी नोज। सो यहाँ पर इनके सप्लायर्स के पास से ये जो चिप मंगवाते थे, ओके, जस्ट बिकॉज के सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर हाई थी, एप्पल ने क्या शुरू कर दिया, इसने खुद ही चिप बनाना शुरू कर दिया, इसने जो है खुद ही चिप बनाना जो है शुरू कर दिया, ताकि इनको जो है अपने ही टर्म्स, अपने ही टर्म्स कंडीशंस, क्वालिटी कॉस्ट के ऊपर उन्हें वो चिप की कॉस्ट पड़ने लगे। दे आर नॉट एट द मर्सी ऑफ द सप्लायर्स के, भाई तुम मुझे कितने में दोगे तब मैं आगे जाकर कम करके। सिमिलरली एप्पल ने क्या किया, अब सी अगर दिस इज द एप्पल इंडस्ट्री, राइट? नाउ दिस वाज द सप्लायर्स, अब सप्लायर्स को तो उन्होंने कम्पीट कर दिया, चलो खुद ही बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, उसके साथ साथ बनाने के बाद जहां पर रिटेल में वो देते थे, ओके, रिटेल में, तो अब जो रिटेल शॉपकीपर्स जो होते थे वो तो इनके पास से अच्छा खासा प्रॉफिट मांगते थे, मार्जिन मांगते थे, तो ही हम आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। तो एप्पल ने क्या कर दिया, इनको भी हटा दिया, इनकी जगह पे इसने खुद को ही रिटेल इंडस्ट्री में डाल दिया। आपको एप्पल स्टोर्स मिलने लग गए जहां पर एप्पल जो है खुद के प्रोडक्ट खुद ही सेल कर रहा है, तो दोनों जगह से उसको कॉम्पिटिशन ही नहीं है, दोनों जगह से उसे किसी तरीके की प्रेशर ही नहीं है, खुद ही बना रहा है, खुद ही उसको सेल कर रहा है। तो इस तरीके से भी जो है बड़े इंडस्ट्रीज अपने यू नो कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट कॉस्ट को जो है वगैरह ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस तरीके की भी स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं। अब अगेन बार्गेन पावर सप्लायर्स को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो, कुछ पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इसके अलावा बाकी के जो पैरामीटर्स होते हैं गाइस वो आप आपके पर्सनल, आपके बिजनेस की यूनिकनेस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। जैसे पहला आ गया कि अगर आपको सप्लायर चेंज करना है, ओके, तो क्या ये आपके लिए डिफिकल्ट है क्या? अगर आप कहोगे कि नो आई कैन वेरी वेल स्विच माई सप्लायर, तो यहाँ पर आपको एडवांटेज हो गया।
कंपटीशन भी कम हो गई, बायर का जो प्रेशर, सप्लायर का जो प्रेशर है ये प्रेशर कम हो गया आपके ऊपर ओवर हियर. डू योर सप्लायर हैव बेटर बायर्स एंड यू? अगर आपको लगता है कि नहीं उसके पास मेरे से भी बेटर, मेरे से भी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदने वाले लोग हैं करके, तो येस दे हैव इट. अगेन इट गोज अगेंस्ट यू. अगर आप कहते हो कि नहीं बाबा आई एम द बेस्ट बायर दैट माई सप्लायर कैन हैव, तो ये मेरे साथ जो है डील अच्छे से ही करेगा, ही इज नॉट गोइंग टू फूल अराउंड विद मी. अगेन, क्या आपके सप्लायर की कोई मोनोपोली है क्या? मतलब वो प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है, उसके प्रोडक्ट की यूनिकनेस है, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट है उसका. ऐसा कुछ अगर है तो वो आप यहाँ पर येस नो में मेंशन कर सकते हो. डज योर सप्लायर सप्लाई यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रोडक्ट? आपका जो प्रोडक्ट है उसका जो मतलब ये सप्लायर जब तक मुझे देगा नहीं ना तब तक तो मेरा प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. अगर ऐसा है करके तो अगेन द सप्लायर इज एट एन एडवांटेज ओवर हियर. इज योर सप्लायर फ्लेक्सिबल? मतलब अगर आपने आपके सप्लायर कभी रेट कम करने कहा, मतलब कितना फ्रेंडली है वो, कभी कुछ अर्जेंट डिलीवर करने कहा कि नहीं ज्यादा ऑर्डर है तुम अर्जेंटली डिलीवर कर दो, ये कर दो करके, तो इज ही रेडी टू डू दैट? मतलब आपके रिलेशन उसके साथ अच्छे है या नहीं है, इन सारी चीजों पर आप इस चीज की एनालिसिस कर सकते हो गाइस. सो अगेन ये वाली स्क्रीन की भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे जो है आप अपने बिजनेस में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो. सो गाइज, बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स, हमने पहला टॉपिक जो है पहला हमने देख लिया कॉम्पिटिटिव राइवलरी, सेकेंड हमने देखा बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स. इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? क्लियर है गाइज? थैंक यू सो मच फॉर योर कन्फर्मेशन. सो लेट्स गो अहेड टू आवर नेक्स्ट. राइट, अब हमने देख लिया है इंडस्ट्री राइवल के, हमने देख लिया है बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स. अब हमारे बायर्स भी तो बार्गेन करते हैं राइट. हमारे जो बायर्स होंगे, जैसे मैंने कहा एप्पल जो रिटेल स्टोर्स में यहाँ पर वो दे रहे थे, सप्लाई करते थे, तो वो लोग भी बार्गेन करते थे कि भाई हमें मार्जिन ज्यादा दो करके ताकि हमें अर्निंग करना ज्यादा मिल सके वगैरह वगैरह. तो इस चीज पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. बार्गेन पावर ऑफ सप्लायर्स यानी कि कस्टमर, आपके जो कस्टमर है, आपके जो क्लाइंट्स है, ओके, उनके वजह से आपके प्रेशर, आपके बिजनेस पर कितना प्रेशर आ सकता है, उनके वजह से जो है आपके बिजनेस पे कितना प्रेशर आ सकता है. अगर ये ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं आपके बिजनेस पर, तो ऑफ कोर्स आपको जो है आपके बिजनेस की प्राइसेस को कम करना पड़ जा सकता है. बायर्स, अब जैसे सप्लायर को होता है, सप्लायर का क्या फंडा होता था कि मैं जो है ज्यादा पैसा लूं और कम डिलीवर करूं. अब बायर को क्या रहता है, बायर कहता है कि मुझे पैसा कम करना पड़े और मुझे जो है ज्यादा प्रोडक्ट मिले. बायर का इंटेंशन ये होता है. तो बायर की बार्गेनिंग पावर हाई कब होती है गाइस? व्हेन विल यू से कि मेरी जो बायर्स है इसकी बार्गेनिंग पावर हाई है? यहाँ पर कस्टमर तब पावरफुल होता है ओवर हियर जब कस्टमर्स कम होते हैं. बायर्स कम है, कस्टमर्स कम है, बिजनेसेस ज्यादा है. एक कस्टमर है उसके पास चार पांच ऑप्शन है, तो वो डायरेक्टली आपको यही कहेगा कि भाई मुझे या तुम बेटर डील दो या मैं किसी और के पास से खरीदूं करके. सेकेंडली, बायर्स हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम. तुम नहीं तो तुम्हारे सब्स्टिट्यूट्स भी है, आपके पास से नहीं लूं तो मैं किसी और से ले सकता हूँ, मेरा काम नहीं अटकेगा, तो उसके पास ऑप्शन हो जाते हो. ऐसे में आप तो मेरे फोर्स हो जाते हो उसे एक और बेटर डील और बेटर डिस्काउंट और बेटर रिड्यूस्ड रेट देने के लिए, जो इवेंचुअली आपके प्रॉफिट पे असर कर जाता है. बायर इज परचेसिंग अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी. आपका बायर जो है ओके, ये आपके पास एक बल्क में प्रोडक्ट को ले रहा है, तो ऐसे में जो है आप उस बायर को ज्यादा बेटर डील्स आपको देने पड़ जाते हैं आपको जो है वो, तो डेफिनेटली उसकी असर भी जो है आपके प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट कर जाती है. बायर जो है ये बड़ा होशियार बंदा है. बायर इज अ नॉलेजेबल पर्सन एंड ही हैज इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. अब जो है उसे लाइक यू नो ही इज ऑलरेडी इन दिस इंडस्ट्री, he is aware. जैसे आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स को ले लो, बाकी के ब्रांड्स जो है टीवी एड्स, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एड्स करते रहते हैं राइट. सो बायर के पास जो है वेरिएंट्स का नॉलेज मिलते जाता है. दे कम टू नो के भाई इफ यू आर नॉट देयर अदर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो देयर जो आपके सब्स्टिट्यूट्स है. ऐसे में बायर जो है ये बड़ा पावरफुल हो जाता है. बायर की बार्गेनिंग पावर लो कब होती है? बायर की बार्गेनिंग पावर जो है ये लो कब होती है ओवर हियर?
जब लो होती है गाइस उस वक्त जो है बिजनेस इज वेरी पावरफुल, आपका बिजनेस ज्यादा पावरफुल हो जाता है. बार्गेन पावर ऑफ बायर इज लो व्हेन देयर आर मेनी बायर्स एंड लेस सेलर्स. मतलब आपके पास ही यूनिकनेस है, बायर्स के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है. बायर्स नॉट हैव ऑप्शंस. ऐसे में जो है बायर्स जो है आपको कभी भी बार्गेन नहीं करेंगे, आपको रेट कम करने नहीं देंगे. आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बायर जो है ये खुद ही आपको जो है आपके अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं. बार्गेन पावर ऑफ बायर, इसके ऊपर केस स्टडी अगर हम देखें, जैसे हमने कहा कि वो सिग्निफिकेंट बल्क में उठाता है. जैसे कि कुछ एंटिटीज है जैसे डीमार्ट है, बिग बाजार है, ये क्या करते हैं, आप लोगों ने अगर मार्क किया रहेगा तो लोकल स्टोर्स रिटेल में जिस रेट में सेल कर रहे हैं, जिस रेट में वो परचेज कर रहे हैं उससे कम रेट में ये बड़े बड़े बिजनेसेस प्रोडक्ट को सेल करते हैं. Yes or no guys, have you all noticed that why do we go to DMart, why do we go and purchase at Big Bazaar? Because we are getting better deals over there. Jo product local market mein 5 rupaye ka mil jata hai wo wahan par shayad aapko 2 rupaye ka ya 3 rupaye ka mil jaye. Kyun unke paas itna kya hai, kyunki ye jo hai bulk buying kar rahe hain. Buyer ek significant quantity utha raha hai, iske liye business jo hai, जो जिस बिजनेस के पास ये प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वो बिजनेस जो है इन्हें बहुत बेटर डील देने पे मजबूर हो जाता है. दे कीप ऑन गिविंग देम मोर डील्स, मोर डिस्काउंट्स. क्यों? क्योंकि द बिजनेस इज द बायर इज अ बाइंग इट इन बल्क गाइस. तो यहाँ पर क्या हो गया है कि जो बिजनेस है, अब ये जो बिजनेसेस है, इस बिजनेस ये बायर है आपके लिए. अब ये बायर है तो इनकी पावर हाई है. क्यों हाई है? क्योंकि ये बल्क में उठा रहे हैं आपके पास से प्रोडक्ट्स जो है वो, तो ऑटोमेटिकली ये जो है अपने कंडीशंस, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपके पास जो है प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे. अब बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को हम कैसे एनालाइज करेंगे गाइस? आर यू द ओनली सप्लायर टू द बायर, टू योर बायर? एक बार एक चेकलिस्ट कर लो, येस नो गिव स्कोर्स. ओके, एंड में टोटल आपको करके पता चल जाता है कि वाकई में आप कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटिव है या आप स्ट्रॉन्ग हो करके. Do you have few or more buyers? आपके प्रोडक्ट के पास मतलब हमारे पास वेराइटी है, तुम नहीं खरीदोगे तो कोई और ले रहा है, सो देन आई एम एट एन एडवांटेज. लेकिन अगर मेरे पास एक ही बायर है देन ऑफकोर्स बायर इज एन एडवांटेज, बिकॉज हमें जो है बायर के यू नो कंडीशंस पर वर्क करना पड़ता है. कैन योर बायर इन्फ्लुएंस द प्राइस यू चार्ज? क्या वो बार्गेन करने में कॉन्फिडेंटली बार्गेन कर सकता है क्या बायर? यस है तो यस को 1 पॉइंट दे दो, नो को 0 दे दो आप. इज योर बायर कंटेंट विथ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस? लॉयल्टी कितनी है बायर की? उसे अगर 50 रुपए कम में भी वो प्रोडक्ट मिलेगा या 1000 रुपए कम में भी वो सर्विस कहीं और मिल रही है, फिर भी क्या वो बायर आपके पास लॉयल रहेगा क्या? इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट देन ऑफकोर्स यू नो उसको आपके लिए एक एडवांटेज हो जाता है. इज योर कस्टमर सर्विस एज एक्सपेक्टेड? मतलब क्या आपकी कस्टमर सर्विस अपडेटेड है ताकि बायर को जो है लॉयल्टी बायर की लॉयल्टी आपको मिल सके गाइस. सो दिस वॉज अबाउट बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर गाइस. इज दैट क्लियर विद एवरीवन? इन बेसिस पर जो है हम एनालाइज कर सकते हैं कि यस हम कहाँ मार्केट में स्टैंड करते हैं. Are you in a weak position or you are in a strong position, guys? So is that clear with everyone? Yes, no, all of you? Can we go ahead? Yes, perfect. So let's move now. Next, hum check out karte hain. That is threat of new entrant. Ab new entrants kab aate hain market mein? Tell me that. When do businesses have new entrants? Can anybody tell me that? Naye log us business ko kyun pick up kar rahe hain? Yes, all of you, anyone? Why do? नए लोग क्यों join करते हैं? Existing businesses already है, उसमें नए लोग क्यों join कर रहे हैं? Yes, all of you all. वैभव, रोहित, राधा, अक्षय. Why do businesses, किसी business में आप क्यों enter करोगे? New profits है, more profit है, because they see opportunities. Yes, वैभव, you are to the point. That is, जब एक नया business होता है ना, जब एक नया product launch होता है, okay, बिल्कुल ही नया product है,
आई डोंट से कि वो पहले से कोई और ब्रांड बना रहे थे, समथिंग नया है, तो वो एक स्टार्टअप होता है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. अब ये स्टार्टअप्स जो होते हैं ना, इनके ऊपर बिजनेसमैन की नजर होती है. जैसे उन्हें जो दिखता है कि अरे ये जो प्रोडक्ट है ना, अब इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, अब ये जो बिजनेस है ये ग्रो हो रहा है, ये जो ब्रांडिंग, ये जो आइडिया थी ये बहुत अच्छे से पिकअप हो गई है, ये बहुत अच्छे से जो है मार्केट में एब्जॉर्ब हो गई है, उसे वहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है. ग्रोथ फ्रॉम मार्केट, यस अजय, व्हाट हैपेंड, इसके क्या होता है, जैसे वहां पर अपॉर्चुनिटी दिखती है, नए एंट्रेंस उस बिजनेस को एंटर करना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मूला था, वो जो आइडिया था, वो ऑलरेडी टेस्ट हो गया है कि भाई ये तो चलने वाला ही है. जैसे उबेर आ गया, उबेर के पीछे पीछे ओला भी आ गई. एक बिजनेस सक्सेस हुआ नहीं, उसका मतलब जो ट्रायल एरर करना था वो उस स्टार्टअप ने कर लिया, उसके पीछे पीछे दूसरे लोग भी एंटर करना शुरू कर जाते हैं. थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, ये जो है, न्यू एंट्रेंट्स क्या कर जाते हैं, ऑलरेडी दो जन के कॉम्पिटिशन में जो प्रॉफिट था वो आधा आधा हो रहा था, मार्केट शेयर ऑलरेडी आधा आधा हो रहा था, अब और पांच लोग आ गए, मतलब क्या हो गया, मार्केट शेयर जो है ये और भी बट गया, डिवाइड हो गया उनके बीच में. रादर विद न्यू एंट्री मार्केट में एक्सपैंड. संजय, क्लाइंट कस्टमर्स एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं ना संजय, कॉम्पिटिशन एक्सपैंड हो रही है, मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जा रहा है और लोगों के बीच में बढ़ जा रहा है. वो पहले दो जन थे टू यू नो केटर टू कस्टमर्स, 1 लाख कस्टमर्स को केटर करने के लिए दो लोग थे, दो कॉम्पिटिशन थे सिर्फ, अब जो है 10 आ गए हैं. अब 10 कॉम्पिटिशन आ गए हैं तो कस्टमर्स तो उतने ही है, 1 लाख कस्टमर्स है, उन्हें अब ये 10 कॉम्पिटिशन जो है एक दूसरे के साथ कम्पीट किए जा रहे हैं. कस्टमर्स जो है उन्हें 10 पहले से 2 वैरायटी मिल रही थी, अब उन्हें 10 वैरायटी मिल रही है, ऑटोमेटिकली जो है मार्केट का जो शेयर है वो बढ़ जाता है. न्यू एंट्रेंस की थ्रेट लो कब होती है, अगर मेरा बिजनेस है, अगर मैं कहती हूँ कि अरे मेरे बिजनेस में ना न्यू एंट्रेंस जल्दी से आ नहीं सकते, तो ऐसा कब हो सकता है, ये कब होता है, न्यू एंट्रेंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू एंटर इफ बैरियर्स, मेरे बिजनेस में ना अच्छे खासे बैरियर्स है, जैसे कि हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए. अब जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, चलिए नेटवर्क प्रोवाइडर, अब क्या कोई भी बिजनेस सोच सकता है क्या, अरे वोडाफोन जियो एयरटेल इतना कमा रहे हैं तो चलो इवन आई शुड जंप इनटू दिस बिजनेस, इज इट इजी, नो, इट नीड्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट दैट बिजनेस, इट नीड्स लॉट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस पॉलिसीज लाइसेंसेस आई है वहां पर, तो जल्दी से कॉम्पिटिशन एंटर नहीं करेंगे इस बिजनेसेस में. रॉ मटेरियल सप्लाईज के एक्सेस जो है उनको नहीं है उस रॉ मटेरियल के लिए वगैरह, तो भी जो है बैरियर्स हो जाता है एक नए बंदे को ज्वाइन करने के लिए उस बिजनेस में. इन सच सिचुएशन बिजनेस कैन रन एट ईज विदाउट फियरिंग ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन, मुश्किल है, इतना जल्दी मेरे बिजनेस में ना कोई आ नहीं सकता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, देयर आर लॉट ऑफ बैरियर्स टू, अगर किसी को जंपिंग करना है तो ऐसा नहीं है कि उसने आज सोचा और 4 दिन में 1 हफ्ते में उसका बिजनेस रेडी हो गया, नहीं, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसे जो है बहुत सारे गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज पेटेंट्स ये सबको यू नो करना होगा, उसके बाद जो है उसे रॉ मटेरियल भी मिलना पड़ेगा, उसको वो भी जो है सोर्स आउट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं वो जाके ये सेम टू सेम हमारे बिजनेस में हमारे टक्कर पे आ सकेगा. लेकिन ये हाई कब हो जाता है गाइस, जब ये सारी चीजें इजी हो जाती है, एक ये जो है यू नो बैरियर्स, जो बैरियर्स है मतलब गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा पॉलिसीज नहीं है वगैरह वगैरह, बैरियर्स थोड़े कम है वहां पर, तो कोई भी इजीली एंटर कर सकता है, या तो कोई ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड है वो एंटर कर जाता है, जो ऑलरेडी रनिंग मार्केट थी, रनिंग इंडस्ट्री थी, उसके अंदर जो है एक नया ब्रांड एंटर कर जाता है, तो यहाँ पे एक थ्रेट जो है ये बढ़ जाता है. जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल, ओके आई विल जस्ट सी एज अ वेरी वेग एग्जाम्पल, कि ऑलरेडी ओला एंड उबेर इज रनिंग राइट, अब अगर जो है अगर मैं कहूँ कि रिलायंस इज एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री, तो ये बहुत बड़ी थ्रेट हो जाएगी ओला उबेर के लिए, बिकॉज ये ब्रांड ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश ब्रांड है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब जो ब्रांड आ रहा है वो अपना यूनिक अपडेटेड प्रोडक्ट, अपडेटेड वर्जन लेके आ रहा है, तो अगेन जो है जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस थे उनके लिए ये डिफिकल्ट हो जा रहा है.
उनके लिए जो है ये डिफिकल्ट हो जाता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल, चलिए we all are digital marketers, right? Now in this marketing, आपकी digital marketing agency है. अब of course digital marketing agency open करना मतलब there's an investment, right? हमें जगह चाहिए, हमें जो है you need a team of you know people to work for you वगैरह वगैरह. लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ अलग दे रहे हो, okay, जो already market दे रही है, when you are entering with a different thing. लोग जो है आज तक से गूगल एड्स कर रहे थे, बाकी के यू नो कंटेंट कर रहे थे वगैरह. आप कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया, कुछ जो लेटेस्ट मार्केट में आया उसे लेकर आप आ जाते हो मार्केट में, तो ऑफ कोर्स जो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए आप एक हाई कॉम्पिटिशन हो जाते हो, एक हाई थ्रेट हो जाते हो, क्योंकि अभी तक तो उन्हें उस नए प्रोडक्ट, उस नए प्लेटफॉर्म को सीखना बाकी है. बल्कि आप जो है ऑलरेडी प्रिपेयर होके डाइव इन कर रहे हो. तो ऐसे में जब आपका प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी कॉम्पिटिशन जो है उसे जब डिफर करता है, अलग करता है, बेटर फॉर्मेट में जाता है, अपग्रेडेड होता है, तो ऐसे में जो है जो नया बंदा एंटर कर रहा है ना उसके तरफ से आपको थ्रेट जो है ये भी हाई हो जाती है. एन एंट्री डिटरिंग प्राइस. अब डिटरिंग प्राइस मतलब सीधा हिसाब है, जो नया ब्रांड आता है ये बिल्कुल ये डिस्काउंटेड लेवल का आ जाता है. क्यों? क्योंकि उसे भी अपनी ब्रांड अवेयरनेस कंसिडरेशन करवानी है, राइट? तो वो क्या करेगा, वो जो है वो बिल्कुल ही नॉमिनल अपने प्रॉफिट्स को कम करके बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट में जो है मार्केट में एंटर करता है. अब ये मार्केट में एंटर कर जाता है, आप जो है 1000 रुपए की प्रोडक्ट दे रहे हो, ये जो नया पर्सन आया उस सेम प्रोडक्ट मे बी अ बेटर अपग्रेडेड वर्जन वो जो है अराउंड 600 में ऑफर कर रहा है, तो भी जो है ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स जो है ये डाइवर्ट हो जाती है उनकी तरफ. अब ऑफकोर्स उनके तरफ चले जाते हैं तो उनकी ब्रांड अवेयरनेस हो रही है, लोग उनके प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हैं, उनकी कंसिडरेशन हो रही है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कन्वर्जन उनके पास ज्यादा होने लग जाए. सो ऑफकोर्स न्यू एंट्रेंट जब डिटरिंग प्राइस लेके मार्केट में एंटर करता है तो ऐसे में जो है इवन आपके लिए जो है एक बड़ी थ्रेट बन जाती है. क्लासिक एग्जाम्पल अगेन फ्रॉम दिस बिग ब्रांड्स वोडाफोन एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स गाइस, वोडाफोन, एयरटेल, दे वर सेलिंग डेटा पैक्स, ओके, 1 GB डेटा पैक फॉर 300-600 rupees. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दैट फेज गाइस? You know, 1 GB, 2 GB डेटा एक महीने के लिए, 2 GB डेटा पैक का वी हैव बीन पेइंग 300-600 rupees, एंड बूम रिलायंस जियो कम्स इनटू इट. उसने क्या कर दिया, एवरीथिंग वाज फ्री, राइट? तो क्या हो गया, ये बिल्कुल ही अच्छी सर्विस, ओके, बेटर सर्विस, बेटर नेटवर्क्स जो है बिल्कुल ही कम रेट में लेके आ गया. ये सिमिलर सीन हुआ था व्हेन रिलायंस हैड एंटर्ड द मार्केट. Yes, perfect. So, how many of you remember जब रिलायंस ने एंटर किया था? You all remember हम outgoing मोबाइल फोन से फोन करने के भी outgoing के तो पैसे देते थे, साथ साथ हम इनकमिंग के भी पैसे देते थे. जैसे ही रिलायंस ने एंटर किया उसने क्या किया, इनकमिंग फ्री कर दी. Others आवाज क्लियर है? So, क्या हो जाता है यहाँ पर गाइज, एक नया नया पर्सन, एक नया पर्सन उस इंडस्ट्री में एंटर कर जाता है, और एंटर करने पर वो क्या कर देता है, एंटर करता है वो क्या करता है, एक तो बेटर प्रोडक्ट लेकर आता है और बिल्कुल ही यू नो डिफरेंट डिस्काउंटेड प्राइस लेकर आ जाता है. तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट की पूरी हिल जाती है, बहुत ही हाई कॉम्पिटिशन जो है हो जाती है वहां पर. इट बिकम अ थ्रेट टू एग्जिस्टिंग प्लेयर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में थे उनके लिए ये बहुत बड़े थ्रेट्स बन जाते हैं. So guys, you need to be aware of all these things. कि क्या आपके बिजनेस में ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी आके कभी भी चाहे कोई भी इजिली एंटर कर जाता है. अगर मैं कहूँ आज के डेट में, ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट मुझे बनानी, आई वॉन्ट टू सेल टी शर्ट्स ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट, आई मीन टेल मी वन थिंग, हाउ मेनी डेज विल टेक? आई हैव माई प्रोडक्ट, मेरे पास टी शर्ट्स है, माई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, राइट? आई वॉन्ट टू एंटर द ई कॉमर्स, मुझे कितना वक्त लगेगा ई कॉमर्स एंटर करने के लिए? एक वेबसाइट क्रिएट करना, एक ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना, पेमेंट पोर्टल सेट करना, मेरी लॉजिस्टिक्स जो है, जो डिलीवरी वगैरह जो है वो सब सेट करना, हाउ मच टाइम विल इट टेक? विल इट टेक इयर्स? कितना वक्त लगेगा ये करने के लिए मुझे?
Will it take 1 year, 2 years, 5 years, yeah, maybe just 1 month? What do you all think, guys? How much time will it take? A month? 1 month? So Jada, perfect. तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या यहाँ पे कोई बैरियर था क्या एंटर करने के, क्योंकि नहीं मुझे 1 महीने का सेटअप करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पे मिनिमम 1 month. यस लक्ष्मी, यस मयूर, व्हाट हैपेंस ओवर हियर कि इजीली, सो यस यहाँ पर न्यू एंट्रेंट की ट्रिक है, कोई भी इजीली आ जाएगा, कोई भी इजीली आज आप जाके देखो, एवरी ब्रांड इज सेलिंग देमसेल्फ ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो. छोटे से छोटा ब्रांड ही होगा तो सिंपल, इवन द स्मॉलेस्ट ब्रांड आर सेलिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. क्यों? क्योंकि न्यू एंट्रेंट को एंटर करने के लिए जो है बैरियर्स कम है यहाँ पर. दे डोंट नीड टू गो एंड टेक एनी स्पेशल लाइसेंसेस, दे डोंट नीड टू टेक एनी पेटेंट्स फॉर इट, दे डोंट नीड टू यू नो काइंड ऑफ नीड टू हैव अ हाई इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्ट, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है यहाँ पर. तो यहाँ पर जो है एंट्री बैरियर इजी हो जाता है. अगेन ओवर हियर एयरलाइन इंडस्ट्री की एक स्टडी अगर हम देखें तो बजट एयरलाइंस ने इमीडिएटली मेजर शेयर उठा लिया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरलाइंस का. क्यों? बजट एयरलाइंस क्या लेकर आ रहे, जहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओके जो प्रीमियम एयरलाइंस थी, जहां पर 10 सीट बैठती थी, वहां पर बजट एयरलाइंस ने क्या कर दिया, 15 सीट रख दी, थोड़ा क्रंच कर दिया स्पेस को. ऑटोमेटिकली जो प्रेशर 10 टिकट्स में उनको डिवाइड करना था वो 15 टिकट में डिवाइड होने लग गया. ये क्या लेकर आ गए, ये बेटर डील लेकर आ गए. ओके, इन्होंने जो है प्लेन की जो बाकी की जो फैसिलिटीज होती थी जैसे खाना वगैरह जो मिलता था वो सब बंद कर दिया. तो अगेन क्या हो गया, न्यू एंट्रेंट्स की जो है यहाँ पर थ्रेड बढ़ गई. जैसे छोटी एयरलाइंस थी ओके, जस्ट स्मॉल एयरलाइंस, दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द मेजर बजट, मेजर क्राउड ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम देयर. गाइस इज दिस क्लियर? अब इसे हम चेक कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे इसे, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी हाई है क्या, थ्रेट है, अगर ज्यादा यस आते हैं तो थ्रेट ज्यादा है, नहीं रे नो नो गवर्नमेंट सॉरी अगर नो आते हैं तो आपको थ्रेट ज्यादा है क्या, नहीं इजी है बाबा, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज कुछ भी नहीं है. डू यू हैव पेटेंट्स और राइट्स? नो, तो थ्रेट ज्यादा है, कोई भी वो कर सकता है. डज योर बिजनेस नीड हैवी इन्वेस्टमेंट? यस, तो थ्रेट कम हो गया. डज योर बिजनेस नीड स्पेशल स्किल्स एंड सेटअप? नो, तो थ्रेट ज्यादा हो गया, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता है. डज योर बिजनेस हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन्स? यस, अगेन एक थ्रेट बन जाती है. इज योर इंडस्ट्री ग्रोइंग रैपिडली? यस, तो भी, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रो कर रही है इंडस्ट्री उतने ज्यादा लोग उसमें डाइव करने की कोशिश करते हैं गाइस. तो गो अहेड, यू ऑल कैन स्कोर योरसेल्फ ओके, 1 mark 0 mark 1 mark 0 mark देते जाओ एंड देन इवेंचुअली टोटल अप कर लो उस चीज को. ये क्लियर है सभी लोगों को गाइस? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इज क्लियर विथ एवरीवन, ऑल ऑफ यू? यस, परफेक्ट. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. ओके, अब सब्स्टिट्यूट्स भी एंटर करते रहते हैं. आपका सबसे बड़ा डेंजरस कॉम्पिटिशन कौन रहता है पता है? जो ऑलमोस्ट आके जैसा है, ये आपका सब्स्टिट्यूट बन गया. क्योंकि जो बिल्कुल आपके जैसा है ना, उसको भी आपके जितना ही प्रेशर है, लेकिन जो ऑलमोस्ट आपके जैसा है ना, उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा क्वालिटी को वीक कर दिया, तो वहां पर क्या हो गया, काउंटरफिट. यस, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ही इज एट एन एडवांटेज ऑफ गिविंग बेटर डील्स. क्यों? क्योंकि उसको कॉस्टिंग कम आ रही है. थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई एंड लो की पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो गाइस सब्स्टिट्यूट्स आर द अल्टरनेटिव्स दैट सर्व द सेम नीड. How many times, okay, all of you all are using Ola Uber, right? Everyone must be using. कोई ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ Uber use कर रहा है या सिर्फ Ola use कर रहा है. Very rarely people are there. हमें कहीं पर भी जाना ना, हम दोनों जगह पे रेट को चेक करते हैं. You all agree with this? दोनों प्लेटफॉर्म पे parallelly cost को चेक करते हैं हम. Yes or no, guys? All of you. हमें जहाँ पर better मिला service, हम चले जाते हैं वहाँ पर. Exactly. Threat is even from those produced by industries earning high profits. अब जो बड़े industries हैं guys, उनके पास से भी आपको threat हो सकती है. क्यों? क्योंकि उनके जो वो bulk में produce कर रहे हैं, उनकी costing कम आ जाती है. आप
थोड़ी सी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ, आपको कॉस्टिंग ज्यादा आ जाएगी. राधा, एम आई ऑडिबल टू यू? राधा, आई थिंक यू आर हैविंग नेटवर्क इश्यू ऑन योर एंड. राधा सुजाता लक्ष्मी, एम आई ऑडिबल क्लियरली? सुजाता लक्ष्मी, अदर्स, आई एम ऑडिबल क्लियरली राइट? सो आई थिंक राधा, इफ आई एम ऑडिबल टू यू राधा, आई थिंक यू आर हैविंग सम मेजर नेटवर्क इश्यू. Guys, higher the number of substitutes available will lead to businesses lowering the prices in order to stand the competition. Of course, ज्यादा substitutes है, सस्ते वाले substitutes भी available है अगर, तो businesses जो है अपनी cost को lower कर देते हैं ताकि आप उस quality को, लेकिन आपको उस substitute के price range पर आपको उसे sell करना पड़ना जा सकता है. लेकिन एट द सेम टाइम अगर सब्स्टिट्यूट कम होते हैं तो आपकी मोनोपोली हो जाती है उस ब्रांड में, उस पर्टिकुलर आपकी अथॉरिटी हो जाती है उस बिजनेस में. नाउ जस्ट इमेजिन, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हो राइट, देर इज नो बडी इन योर एरिया, देर इज नो सब्स्टिट्यूट. कोई सिर्फ फेसबुक एड भी रन नहीं कर रहा है, कोई सिर्फ सोशल मीडिया भी रन नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपकी मोनोपोली हो जाती है उस पर्टिकुलर प्लेस पर. Monopoly means you are the sole person, you know, जो उस काम को, उस बिजनेस को कर रहे हैं. यहाँ पर एक केस स्टडी देख रहे थे अगेन, बजट एयरलाइन इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कार. गाइस सी, दोनों चीजें अलग है. एयरलाइन इंडस्ट्री है, दिस इज द रोडवेज. लेकिन कई बार जो है, जैसे हम अगर चेक करते हैं, जैसे मुझे अगर मुंबई से पुणे ट्रेवल करना है बाई अ प्राइवेट कार, आई वॉन्ट टू बुक कार. Okay, मुझे जो है कार को बुक करना है एंड मुझे जो है पुणे रीच करना है, दैट कार वन वे माइट चार्ज मी 3-4,000 रुपीस. इसके अगेंस्ट में बजट एयरलाइन की मेरी जो टिकट है ना, दैट वुड कॉस्ट मी अराउंड 1,800 रुपीस. सो विच इज बेटर सब्स्टिट्यूट है. सी, दोनों इंडस्ट्री अलग हो गई है, हालांकि दोनों ट्रैवल में ही है, लेकिन सब कैटेगरीज है दोनों. But over here, I would choose a budget airline. Why? Because a private car is, first of all, it is going to take around 5 hours for me to reach Pune. Uske saath saath I might end up paying 4,000-5,000 rupees. Lekin budget airline jo hai, ye mujhe ek ghante, ded ghante mein pahuncha dega. And my ticket prices, I'm talking about the budget airlines, okay, not the premium airlines. There would be something around 1,800-2,000 rupees charge karte hain. So ye ek mere paas ek acha substitute ho gaya uske liye. टेस्ला, एवरीबडी नोज आजकल का, लाइक यू नो इट्स द मोस्ट हॉट टॉपिक रनिंग अराउंड राइट. टेस्ला, टेस्ला ने हालांकि यूनिक प्रोडक्ट बनाया है, बट डू यू थिंक इट हैज सब्स्टिट्यूट्स गाइस? यस और नो? टेस्ला का जो इको कार जो है उसकी, तो इट्स ऑफकोर्स इट इज अ यूनिक प्रोडक्ट, इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट. यही समय ऑडिबल? Yes, audible है. Others, audible है. Perfect. अब Tesla की अगर हम बात करते हैं, तो Tesla ने चलिए यूनिक प्रोडक्ट बनाया. What do you think? Does it have substitute guys? Tesla के पास? आप ऐसे यूजर हो, चलो position yourself as a buyer now. अब ठीक है, माना Tesla के पास, Tesla की एक यूनिक कार है, उसे आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो. ना ना ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सब्स्टिट्यूट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिशन. जैसे उसकी इको कार है तो आपको दूसरी इको कार चाहिए, नो नॉट दैट. सब्स्टिट्यूट मतलब अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो क्या जरूरी है, क्या ये हार्ड एंड फास्ट है कि नहीं आपको टेस्ला की ही गाड़ी से जा सकते हो? इज इट दैट यू नो ग्रेव कि नहीं आपको तो जाना है तो उसी की गाड़ी से जाना है? Is it there? No. Tesla does have a competition, does have substitutes. Yeah, we are talking about substitutes over here. Tesla ke paas substitutes hai, matlab competitors hai, substitutes, jinka gas powered vehicle hai, jinka hybrid vehicle hai, public transport hai. Why I need to buy Tesla? I'll go by public transport. I have a substitute as a buyer. I have a substitute. I don't need to, you know, buy Tesla to travel from here to there. I can very much take a public transport. So yes, even these, ये भी substitutes है. जो सुजाता आप लोगों ने कहा, ये क्या था, that they were the competitors. Okay, हमें rivalry competitor नहीं, हम substitute देख रहे हैं. Substitute क्या होता है, एक बिल्कुल ही अलग product होता है वो, लेकिन उससे एक customer का काम चल जाता है, एक काम बन जाता है customer का उस चीज से.
सो अगेन गॉट इट नाउ परफेक्ट. तो ऐसे जो है हम भी बात करते हैं कि आप कैसे एनालाइज करोगे. डज योर सब्स्टिट्यूट ऑफ योर प्रोडक्ट एग्जिस्ट, पहली बात तो आप प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कितना क्लोज है आपके प्रोडक्ट से. इज द सब्स्टिट्यूट सोल्ड इन सेम मार्केट एज यू आर. अरे आई एम इन मुंबई, माय सब्स्टिट्यूट इज इन दिल्ली, तो क्या वो मेरे लिए थ्रेट है क्या? नहीं है. इज द सब्स्टिट्यूट प्राइस एट अ लोअर रेट. अगर उसी रेट में अगर मिल रहा है तो कोई सब्स्टिट्यूट कौन क्यों लेगा, राइट? आई वुड वेरी मच टेक द ओरिजिनल प्रोडक्ट. अगर बहुत ज्यादा प्राइस रेट में मुझे फर्क पड़ रहा है तो डेफिनेटली आई माइट गो फॉर अ सब्स्टिट्यूट थिंग. सो यू नीड टू इवन एनालाइज के डू यू हैव अ थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट ऑन. तो इसी बेसिस पर गाइज यू नीड टू एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, ऑल आर फाइव मॉडल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बायर्स, सेलर्स, न्यू एंट्रेंस एंड सब्स्टिट्यूट. ये जो पांच मॉडल्स है गाइज उनको जो है कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा. इस मॉडल के ड्रॉबैक्स भी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एप्लीकेबल टू अ होल इंडस्ट्री, नॉट टू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन. हम जो है यहाँ पर मास लेवल पे बात करते हैं. मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरी जो बिजनेस है उससे सुजाता के भी बिजनेस सेम है तो चलो मैं सुजाता के साथ इसे कंपेयर करके देखूँ. नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं होती, यहाँ पर होल इंडस्ट्री के ऊपर हम बात करते हैं. पूरी इंडस्ट्री पे आपको नजर रखना है. देयर कैन बी चांसेस ऑफ कोलैबोरेशंस अमंग बायर्स एंड अमंग सप्लायर्स व्हिच दिस मॉडल माइट फेल टू एनालाइज. कोलैबोरेशन मतलब क्या? अगेन हम जो है एटेड ड्रिंक्स को ले देते हैं. ओके, कहीं ना कहीं आप देखो तो हर ब्रांड है ना सेम प्राइस रेंज पे सेल कर रहा है. एवरी ब्रांड इज हैविंग 45 रुपीज की बॉटल, 95 रुपीज की बॉटल. व्हाई? क्योंकि दे हैव कम टू अ म्यूचुअल कोलैबोरेशन. अब यहां पर क्या हो जाता है एज अ कस्टमर, ओके, हमें कहीं पे फायदा नहीं मिल रहा है भैया, हमारे पास वैरायटी है लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है हमें कहीं पर भी. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कई बार जो है बायर्स या इवन जो सप्लायर्स जो हो रहे हैं ना, ये कोलैबोरेट कर लेते हैं. इवन नेटवर्क प्रोवाइडर्स भी देख लो, आपको सबके जितने भी प्लान है, आपके जितने भी रिचार्ज प्लान है ना, ओवरऑल आपको सबके सेम ही दिखेंगे. यू विल नॉट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू चूज वन. यू नो कि शुड आई गो फॉर अ वोडाफोन का प्लान और शुड आई गो फॉर एन एयरटेल का प्लान. ओवरऑल उनके मंथली कॉस्ट है. सो दे कोलैबोरेट जस्ट ताकि एक दूसरे को जो है वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव ना बने. इसके लिए दे कम टू सम म्यूचुअल डील्स, म्यूचुअल डील्स, दे साइन सम म्यूचुअल डील्स के भाई चलो हम दोनों जो है इसी रेंज में काम करेंगे. इट्स लाइक यू नो इवन ब्रांड्स जो है कई बार उनकी एरिया वाइज भी मोनोपोली हो जाती है कि हम दोनों कॉम्पिटिटर्स है तो यू हैंडल साउथ मुंबई, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ नॉर्थ मुंबई. तो ऐसे में अगर कुछ होता है इस तरीके की कोलैबोरेशन जो है ये मॉडल एनालाइज नहीं करता है. ये जो मॉडल जो हमने डिस्कस किया ये एनालाइज नहीं करता है. एंड सेकेंडली इट वर्क्स फॉर ओनली प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस. यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज. तो दीज आर फ्यू ड्रॉबैक्स जो ये जो मॉडल है ये फेल होता है. बाकी की जितने भी जो पैरामीटर्स है गाइस दे आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट आपकी स्ट्रैटेजी को क्रिएट करने के लिए. सो लेट्स कम टू अ कंक्लूजन गाइस. दीज फाइव फोर्सेस शेप एवरी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड शेप योर कंपनीज फ्यूचर. सो डू नॉट इग्नोर देम गाइस, डू नॉट इग्नोर देम. वंस यू अंडरस्टैंड देम, एक बार अगर आपको क्लैरिटी मिल जाती है आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो उसे. एंड यू कैन क्रिएट एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज गाइस, एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज अलग चीज हो जाती है लेकिन प्रैक्टिकली अप्लाई करना एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट्स गाइस. So yes, all of you all, we've come to an end of today's session. So any doubts, you can let me know. Otherwise, guys, thanks for joining in. We'll be having these sessions every Sunday, all of you all. So every Sunday, आपको जो है same एक घंटा जो है devote कीजिए. इसी तरीके की कुछ industry के updates हम लेकर आएंगे, guys, all of you.